बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और कोविड जैसी आफात से महफूज रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी काजे की बर्फी, सिंपल इजी और डिलीशियस। सर्दियों में बनाई जाने वाली ये मिठाई है और बहुत मज़ेदार बनती है। रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। काजे लिए मैंने आधा किलो, इसको कद्दूकस कर लिए। पैन में डालेंगे हम गाजरों को। अब डालेंगे हम इसमें 1 लीटर दूध, हाफ केजी गाजरों में मैं 1 लीटर दूध डाल रही हूँ। आँच आप मीडियम रखिएगा और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारा दूध खुश नहीं हो जाता है या फिर गाजरें जो पानी रिड्यूस करती हैं वो खुश नहीं हो जाती। गाजरें हमारी पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए गाजरों का कलर भी चेंज हो गया है। अब डालेंगे हम इसमें 1 प्याली खुश दूध। खुश दूध डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने दूध की। जी व्यूवर्स, 15 मिनट हो गए हैं तकरीबन गाजरों को पकाते हुए। ये देखिए हमारी गाजरें जो है ना वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब डालेंगे हम इसमें 5 इलायचियाँ, सब इसमें डाल रही हूँ। इसमें मिक्स करेंगे, इलायची की अपनी ही खुशबू होती है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका फ्लेवर भी आएगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए गाजरों को पकाते हुए। ये देखिए इसका पानी ज़्यादातर खुश्क हो गया, दूध भी। अब डालेंगे हम इसमें 1/2 प्याली चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें डाल सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो, लेकिन मैं इसमें 1/2 प्याली चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पच्चीस से 30 मिनट हो गए हैं और ये देखें गाजरों का पानी जो है ना वो तकरीबन खुश्क हो गया है। अब डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच देसी घी। देसी घी की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। आप चाहें तो ऑयल या फिर डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी डालने से इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। देसी घी डालने के बाद मैंने इसे फिर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब डालेंगे हम इसमें 1 प्याली खोया। खोया डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। खोया डाल के मुझे 2 से 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। जितना आप इसे अच्छी तरह से भूनेंगे इतना ही आपको इसका अच्छा रिजल्ट आएगा।
आंच आप मीडियम ही रखिएगा। अगर आप आंच इस टाइम पे तेज़ रखेंगे तो आपका हलवा जो है वो नीचे भी लगेगा और ख़राब हो जाएगा उसका टेस्ट भी और इसका कलर भी। जी बस ये देखिए हमारी गाजर की जो रेसिपी है ना वो हो गई है तैयार। अब हम इसे निकालेंगे, ट्रे ली है मैंने, इस पे रखेंगे बटर पेपर और बटर पेपर के ऊपर डालेंगे हम गाजर की बर्फी का मटेरियल और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से सेट कर लें ताकि हमारी टुकड़ियाँ काटते वक्त इसका अच्छा रिजल्ट आए। चारों साइडों से मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे जब तक ये ठंडा हो जाए। तीन से चार घंटे हो गए हमारे और ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया। अब लगाएंगे हम इस पर सोनी के वर्क। मैं इस पर सोनी के वर्क लगा रही हूँ, आप चाहें तो चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं और अगर चाहें तो इस पर ड्राई फ्रूट्स भी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने के वर्क लगाने के बाद अब हम इसे टुकड़ियों में काट लेंगे छुरी की मदद से। काजू की बर्फी हमारी हो गई तैयार, बहुत मज़ेदार और शानदार बनती है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, मेरे चैनल इसी कुकिंग को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दिया करें। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।